कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कि आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हो, कि एक जगह पे बैठ नहीं पाते हो, थोड़ा सा बैठने के बाद भी खड़ा होकर फिर इधर उधर टहलते रहते हो। तो प्लीज आप आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, हो सकती है आपका हाइपरटेंशन है। अगर 10 आदमी के बीच में कोई अगर किसी का पसीना नहीं आ रहे और आपका मुंह से पसीना आ रहे हैं, गर्दन से पसीना आ रहा है, तो आप आपका बीपी चेक कर लीजिए, हो सकते आपका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक साइलेंस क्लियर है। इंडिया का 4 या 30 लाख पीपल ये साइलेंस क्लियर ले लेके जाता है, जान ले लेता है। तो बहुत ही गंभीर समस्या है ये हाइपरटेंशन। आज के जमाने में अपना जो लाइफ स्टाइल है, इसके वजह से हर घर में एक आध आदमी मिलता ही है हाइपरटेंशन वाला। तो मैं आज आप लोग का ड्रगलेस ट्रीटमेंट का एक देखे, कैसे घर में बैठ के अपने आप को ये हाइपरटेंशन से मुक्त कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में एक बार दवाई शुरू होता है तो एकदम लाइफ लॉन्ग चलता है, और हाइपरटेंशन में पता नहीं चलता आदमी का कब हार्ट अटैक करेगा, कब ब्रेन स्ट्रोक होगा, इसीलिए साइलेंस क्लियर बोला जाता है। ऐसे ही रात को सोते सोते देखा जाता है कि सुबह है नहीं, ये बाथरूम में गया है नहाने के लिए, पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है, तो हाइपरटेंशन में पता नहीं चलता है। इसलिए पहले से आपको केयरफुली रहना है, आपको पहले से ट्रीटमेंट लेना है। हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब हमारा बीपी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ जाते हैं। सिस्टोलिक कौन सी होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है जैसे 120 80, 120 हमारा सिस्टोलिक है, 80 हमारा डायस्टोलिक है। तो हमारा नॉर्मल रेंज है 120 80, ये ठीक है। जब हमारा 120 की जगह 180 हो जाता है तो सिस्टोलिक हमारा बढ़ जाता है, और 80 की जगह पे मोर देन 90 हो जाता है, 110 हो गया, 90 110 हो गया और उससे ज्यादा हो गया, तो डायस्टोलिक हमारा बढ़ जाता है। ये ड्रगलेस ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में अगर आपका सिर्फ डायस्टोलिक सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए भी ट्रीटमेंट है। अगर आपका सिस्टोलिक सही है, 130 है, 120 130 140 है, लेकिन डायस्टोलिक आपका 90 से 110 120 ऐसा है, ज्यादा है, जो ज्यादा खतरा माना जाता है, डायस्टोलिक ज्यादा होता है, तो इसको भी कम करने के लिए ट्रीटमेंट है। आज इस वीडियो में मैंने आपको दिखाऊंगा सिर्फ सिस्टोलिक जो ऊपर वाला, जैसे 190 200 हो गया, इसको कैसे, जैसे 190 हो गया, 200 हो गया, 220 हो गया, इसको कैसे कम कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट ट्रीटमेंट देके आप इसको कम कर सकते हैं आपका सिस्टोलिक का। थोड़ा सा पाउडर आपका हाथ पे ले लीजिए, दोनों हाथ पे लेके कान का ठीक पीछे यहां पे लगाइए और यहां पे लगा दीजिए। पॉइंट का नाम है हमारा 30 मेडुला। ट्रीटमेंट का नाम है 30 मेडुला। मेडुला ट्रीटमेंट है, तो 30 मेडुला ट्रीटमेंट देके हम सिस्टोलिक बीपी को कम करेंगे, ऊपर वाला बीपी को कम करेंगे। कैसे करना देख लीजिए। ये जो हमारा कान है, ये पाउडर लगाया, ये कान से लेके इधर तक नीचे तक यहां तक लेके आना है 30 मेडुला। मेडुला ट्रीटमेंट पीआर में काउंट होता है, तो 30 मेडुला तो एक अंगुल में देंगे तो 60 बार देना है। पहले लेफ्ट में देना है, फिर राइट में देना है। देखिए कैसे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 40 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो 60 बार देना है, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने बीच में से 60 लेके गया। तो पहले लेफ्ट में इधर से लेके इधर तक, ऊपर से लेके सिर्फ इधर थोड़ा सा नहीं करना, इधर से लेके इधर तक करना है, जितना आपका पैसा टॉलरेट कर पाएंगे उतना देना है। पहले लेफ्ट में देना है, फिर राइट में 60 टाइम्स देना है, ठीक, यहां से लेके इधर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 50 56 57 59 60, ठीक है। तो 60 टाइम यहां पे देना है, 60 टाइम यहां पे देना है। 60 से ना एक ज्यादा होना है ना एक कम होना है, ना 59 होना है ना 61 होना है, 60 मतलब 60। एक बार पाउडर थोड़ा सा लगा दिया, उसके बाद शुरू किया लेफ्ट में 60 बार, यहां से लेके इधर तक घिसना है, इधर से लेके इधर। अगर घर में कोई है तो उनसे करा लीजिए, कोई नहीं है तो आप सेल्फ कर लीजिए। तो 60 बार दिया, प्रेशर उतना ही देना है जितना आप टॉलरेट कर पाएंगे। 60 बार लेफ्ट में, 60 बार राइट में, 30 सेकेंड का गैप, 30 सेकेंड होल्ड करना है, गैप देना है, रेस्ट, 30 सेकेंड रेस्ट देना है। उसके बाद फिर 30 मेडुला, दिया दोनों तरफ लेफ्ट राइट, 30 मिनट का गैप, फिर 30 मेडुला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 55 56 57 58 59 60, तुरंत राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60, 60 टाइम, 60 टाइम लेफ्ट में, 60 टाइम राइट में। बीच में रुकना नहीं है, ये कंटिन्यू देना है, ये नहीं कि आप 20 बार दिया थोड़ा सा इधर उधर देगा फिर शुरू किया, नहीं, कंटिन्यू होना है, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा, ना एक ज्यादा ना एक कम, ना बीच में कोई रुकावट। अगर बीच में आप होल्ड कर देते तो ट्रीटमेंट कैंसिल, मतलब वो ट्रीटमेंट आपका हुआ नहीं है। तो 60 टाइम आपका लेफ्ट में देना है, 60 टाइम राइट में देना है, 30 मिनट्स का गैप देना है, फिर 60 टाइम लेफ्ट में, फिर 60 टाइम राइट में, फिर 30 मिनट्स का रेस्ट गैप, फिर 60 बार लेफ्ट 60 बार राइट में, मतलब 60 बार आपको 3 बार घिसना है यहां से लेके इधर तक, बीच में 30 सेकेंड का गैप देना है। यह हमारा 30 मेडुला ट्रीटमेंट। यह ट्रीटमेंट आपका सिस्टोलिक बीपी के लिए, जो ऊपर वाला हाई बीपी में जो जैसे 190 बाई 100 है, यह जो 190 है इसको कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा हमारा 30 मेडुला। ऊपर वाला बीपी को कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो हमारा 30 मेडुला, 30 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट देना है, बीच में 30 सेकेंड गैप, 30 सेकेंड गैप देना है। तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक बीपी कम करने के लिए। डायस्टोलिक बीपी अगर ज्यादा है उसको कम करने के लिए भी ट्रीटमेंट है, 8 pan 7 liver 8 chest only, पी हैवर इन ट्रीटमेंट। तो अभी दिखाना जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो अगर दोनों बड़ा हुआ है तब भी ड्रैगलेस ट्रीटमेंट में, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट है। आप एक महीना सुबह शाम करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका ब्लड प्रेशर का क्या हालत है। आप एक महीना मॉनिटरिंग कीजिए, सुबह शाम ट्रीटमेंट दीजिए और मॉनिटरिंग कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए कि हाँ आपका बॉडी में इफेक्ट आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए। ये हम मैंने बताया सिर्फ आपको सिस्टोलिक बीपी के लिए। और डायस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों अगर बड़ा रहता है तो मेरा पहले एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें आपको ये फुल ट्रीटमेंट आपका हाइपरटेंशन का मिल जाएगा। आप पेन हिलर अभिजीत सर्च करेंगे,
पेन हिलर ओबीजी चैनल सर्च करके आप हाइपरटेंशन ड्रगलेस ट्रीटमेंट आप ये वीडियो देखेंगे, उसमें आपको फुल वीडियो आपको मिल जाएगा हाइपरटेंशन ड्रगलेस ट्रीटमेंट। नहीं तो आप YouTube में जाके हाइपरटेंशन ड्रगलेस ट्रीटमेंट सर्च करेंगे, हाइपरटेंशन ड्रगलेस ट्रीटमेंट सर्च करेंगे तो आपको फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया सिस्टोलिक कैसे कम होता है, डायस्टोलिक कैसे कम होता है, दोनों अगर अप डाउन रहते हैं दोनों को भी कैसे कम कर सकते हैं आप। एक महीना ट्रीटमेंट दीजिए सुबह शाम, फिर इसका रिजल्ट मुझे बताइए। आपको सारी जिंदगी भर दवाई खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको रिजल्ट एक महीना में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप डायरी रखिए, सुबह शाम आपका ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग कीजिए कितना था, और एक महीना ये ट्रीटमेंट लीजिए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या इफेक्ट आया ट्रीटमेंट में। ऐसे एक ड्रगलेस ट्रीटमेंट मेरा इस वीडियो में जो मेरा चैनल है उसमें दिया हुआ है, विदाउट मेडिसिन कैसे आप आपका हर बीमारी के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हर बीमारी के लिए दिया हुआ है ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। थोड़ा सा आपका आपके अंदर का जो थिंकिंग है इसको चेंज कीजिए। आप लोग सोचते हैं एक टैबलेट डेली खा लेता हूँ बस हो गया काम खत्म, लेकिन वो टैबलेट आपका साइड इफेक्ट भी करता है और सारा जिंदगी भर खाना पड़ता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये अगर आपने शुरू कर दिया एक महीना, आपका हाइपरटेंशन तो ठीक होगा, उसके साथ और सारे बीमारी आपका शरीर से निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और देखेंगे आप जैसे ठीक होता रहेगा, बॉडी में आपका एनर्जी भी आ गया, बॉडी में आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गया, तो बहुत सारा चेंजेस आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए, जैसे मैं नया नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास पहुंचेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।